हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे, आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारी दुनिया का अध्याय 1 क भूमि मृदा एवं जल संसाधन। बच्चों, अध्याय शुरू करने से पहले आप सबों को यह बताना चाहता हूँ कि यह चैनल बिल्कुल मुफ्त है और इस चैनल को शुरू करने का हमारा मकसद बिहार झारखंड के सरकारी विद्यालय के पढ़ने वाले उन बच्चों तक शिक्षा की ज्योति को पहुँचाना जो सुदूर गांव देहात में रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, नेट है, पर विषय व शिक्षक की कमी है और वो अपना समय मोबाइल पर गेम खेलकर या फिल्म देखकर व्यतीत करते हैं। शहर के बच्चों की तो मोबाइल से पढ़ना तो चाहते हैं पर कंटेंट उपलब्ध नहीं है या महंगे ऐप का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और हाँ, यह जरूरी नहीं कि सिर्फ बिहार झारखंड बोर्ड के बच्चे ही इसे देख सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड को, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको इसको देखने से फायदा ही मिलेगा। चलिए अध्याय शुरू करते हैं, भूमि मृदा एवं जल संसाधन। तो सबसे पहले देखते हैं भूमि। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मानव इस पर निवास करता है। अपनी आवश्यकता की अधिकतर वस्तुएं भी वह इसी से प्राप्त करता है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 29% भाग पर भूमि अथवा स्थल का विस्तार है। यह पहाड़ी, पठारी, मैदानी, दलदली, मरुस्थलीय, हिमाच्छादित एवं वन आच्छादित रूपों में पाई जाती हैं। भूमि के ये विविध रूप मानव बसाव को एक समान रूप से आकर्षित नहीं कर पाते हैं। चूंकि मैदानी भाग में जीवन जीना आसान है, सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं, अतः मैदानी क्षेत्रों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। भूमि का उपयोग हम भिन्न भिन्न कामों में करते हैं। भूमि पर कृषि कार्य होता है, इसी पर पेड़ पौधे उगते हैं। मकान, गांव, शहर, तालाब, नहर, कुआं, चापाकल, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइपलाइन मार्ग, कारखाना, विभिन्न खेलों के मैदान एवं स्टेडियम इत्यादि भूमि पर ही बने होते हैं। भूमि का उपयोग सभी जगह एक समान नहीं है। इसमें अंतर का मुख्य कारण समय एवं क्षेत्र के अनुसार मानवीय जरूरतों में बदलाव का आना है। इसी कारण कभी वन क्षेत्र को साफ करके आवासीय क्षेत्र या कृषि क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाता है, तो कभी कृषि भूमि को आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाता है। कृषि योग्य भूमि पर कारखाने भी लगाए जाते हैं। कभी कभी तो आवासीय क्षेत्रों पर सड़क या रेल मार्ग भी विकसित किए जाते हैं। प्रेरी प्रदेश में गेहूं की खेती की जाती है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में रसदार फलों की खेती की जाती है। इसी तरह मैदानी भागों में कृषि कार्य की अधिकता देखी जाती है, तो पठारी भागों की भूमि पर उद्योग की स्थापना को प्रमुखता दी जाती है। अब देख लेते हैं भूमि का उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। तो भूमि का उपयोग दो प्रमुख कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। पहला है प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक देख लेते हैं तो स्थल में भिन्नता, मृदा की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति, जलवायु एवं जल संबंधी विशेषताएं इत्यादि जैसे प्राकृतिक कारक भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। कठोर भूमि के कारण पठारी क्षेत्रों में कल कारखाने प्रमुखता से लगाए जाते हैं, जबकि मैदानी भूमि में फसलों की खेती की जाती है। पठारी क्षेत्रों में भी खनिजे पाई जाती है, वहाँ खनन कार्य किए जाते हैं। मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है, तो शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में गेहूं की खेती की जाती है। दूसरा है मानवीय कारक। तो तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताएं भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देख लेते हैं भूमि उपयोग प्रारूप। तो भूमि उपयोग का अर्थ कुल उपलब्ध भूमि का विविध कार्यों में होने वाले उपयोग के आंकड़े से है। कहीं वन क्षेत्र अधिक मिलता है, तो कहीं शुद्ध बोई गई भूमि का क्षेत्र अधिक मिलता है, कहीं बंजर भूमि का क्षेत्र अधिक मिलता है। हमारे देश में भूमि उपयोग प्रारूप संबंधी आंकड़े या रिकॉर्ड भू राजस्व विभाग रखता है। भूमि उपयोग के वर्ग निश्चित हैं और ये वर्ग हैं। पहला, वन क्षेत्र की भूमि।
दूसरा कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि। तो कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि में क है बंजर एवं व्यर्थ भूमि और ख है सड़क मकान उद्योगों में लगी भूमि। तीसरी है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि में क है चालू प्रतिभूमि, जिस भूमि पर एक वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं की गई हो, और ख है अन्य प्रतिभूमि, जिस भूमि पर एक वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय से कृषि नहीं की गई हो। चौथा है अन्य कृषि अयोग्य भूमि। तो अन्य कृषि अयोग्य भूमि में क है अस्थाई चरागाह की भूमि और ख है कृषि योग्य बंजर भूमि, तो जिस भूमि पर 5 वर्ष से अधिक समय से खेती नहीं की गई हो उसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। और पांचवा है शुद्ध बोई गई भूमि। भूमि संरक्षण की आवश्यकता। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के पोषण एवं आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण वन एवं कृषि क्षेत्र घटते जा रहे हैं। फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का भी काफी अधिक उपयोग हुआ है। अति सिंचन एवं पशुचारण की क्रियाएं भी हुई है। जल जमाव से मिट्टी में लवणता एवं क्षारीयता का गुण भी बढ़ा है। इन सभी कारणों से भूमि के स्वाभाविक गुणों में कमी आ रही है, जिसे भूमि का निम्नीकरण कहा जाता है। तो भूमि को संरक्षित किया जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें छोटे छोटे कुछ उपाय या काम करने होंगे। जैसे पहला है भूमि का उपयोग नियोजित तरीके से हो। दूसरा भूमि पर वन क्षेत्र को बढ़ाया जाए। तीसरा जैविक कृषि पर बल दिया जाए। चौथा मरुभूमि के सीमांत पर झाड़ियां लगाई जाएं। पांचवा भूस्खलन रोकने के लिए पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण हो एवं प्रतिरोधी दीवार बनाई जाए। और छठा है तटवर्तीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए इत्यादि। मृदा अथवा मिट्टी। तो पौधे अपना भोजन एवं आवश्यक पोषक तत्व तो मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। मृदा पृथ्वी के सबसे ऊपरी भूपटल पर पाई जाती है। इस सतह में पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए सभी जरूरी खनिज तत्व पोषक तत्व एवं चट्टानों के कण मौजूद होते हैं। मृदा का उपयोग। तो मृदा का उपयोग में पहला है फसलों की खेती करने में, दूसरा है पेड़ पौधे घास झाड़ियों के उगाने में, तीसरा है गृह निर्माण में, चौथा है मूर्तियां बनाने में, पांचवा है ईंट खिलौने गमला घड़ा सुराही खपड़ा इत्यादि बनाने में, और छठा है मिट्टी के गिलास दिया कलश इत्यादि बनाने में तथा मेड़ बांध तटबंध कच्ची सड़क इत्यादि के निर्माण में भी तो मिट्टी का ही उपयोग होता है। अब देख लेते हैं मृदा अथवा मिट्टी निर्माण। किसी स्थान की मृदा के निर्माण में वहां उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का योगदान होता है। मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती हैं। टूटे हुए कणों की और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। हजारों लाखों वर्षों बाद चट्टानी टुकड़ा भौतिक रासायनिक एवं जैविक ऋतु क्षरण से महीन कणों में बदल जाता है, जिसे हम मृदा कहते हैं। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। आइए देख लेते हैं जैविक एवं रासायनिक ऋतु क्षरण। तो पेड़ पौधे जीव जंतुओं मानवीय क्रियाओं तथा जल की प्रतिक्रिया से चट्टानों का टूटना एवं गलना रासायनिक ऋतु क्षरण कहलाता है। अब देखते हैं भौतिक ऋतु क्षरण। तो तापमान में उतार चढ़ाव
तुषार क्रिया तथा चट्टानी परतों के फैलने सिकुड़ने से चट्टानों का टूटना भौतिक ऋतुचरण कहलाता है। अब देखते हैं मृदा निर्माण अथवा मिट्टी निर्माण। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया काफी लंबी अवधि में पूरी होती है। इस दौरान मृदा के तीन स्तर तैयार हो जाते हैं। इन्हें ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः अ स्तर, ब स्तर एवं स स्तर कहा जाता है। ऊपरी स्तर अ में ह्यूमस की अधिकता अधिक होती है। दूसरा स्तर को ब कहते हैं। तो ब स्तर में बालू एवं पंख की प्रधानता होती है। और तीसरा जो स्तर है उसे स स्तर कहते हैं। स स्तर में ऋतुक्षरण से प्राप्त चट्टानी कण मिला करते हैं। जबकि चौथा जो स्तर है, सबसे निचला स्तर, उसे द स्तर कहते हैं। इसमें चट्टाने होती हैं। मिट्टी के प्रकार। मृदा निर्माण के कारकों में स्थानीय भिन्नता के कारण सभी जगह एक तरह की मृदा नहीं पाई जाती है। मृदा वर्गीकरण के कई आधार हैं। तो पहला है उर्वरता के आधार पर। इस आधार पर मृदा को उर्वर और अनुर्वर दो भागों में बांटा जाता है। उर्वर मृदा उपजाऊ होती है, जबकि अनुर्वर मृदा में उपजाऊपन कम होता है। नदी घाटी क्षेत्रों की मृदा उर्वर तथा पहाड़ी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों की मृदा अनुर्वर होती है। दूसरा है गठन एवं संरचना के आधार पर। तो इसके आधार पर मृदा को बलुई मृदा, चिकनी मृदा एवं दोमट मृदा में बांटा जाता है। बलुई मृदा में बालू और क्ले दोनों होते हैं, परंतु इसमें बालू का अंश अधिक होता है। चिकनी मृदा में क्ले की अधिकता होती है, जबकि दोमट मृदा में बालू और क्ले का मिश्रण लगभग समान अनुपात में होता है। तीसरा है रंग के आधार पर। तो इसमें जो है, इस आधार पर मिट्टी को लाल मृदा, काली मृदा एवं भूरी मृदा, बादामी मृदा में बांटा जाता है। नवीन जलोढ़ को खादर एवं पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। जलोढ़ मृदा, यह मृदा चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना एवं दलहन फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। यह मृदा हमारे राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। काली मृदा, यह मृदा एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण काली होती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में यह मृदा अधिक पाई जाती है। लाल एवं पीली मृदा, यह मृदा प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। लोहे के अंश के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। जल में मिलने के बाद यह मृदा पीली रंग की हो जाती है। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तांबाकू और फलों के उत्पादन के लिए यह उपयुक्त मृदा है। यह उड़ीसा, झारखंड एवं मेघालय में पाया जाता है। लैटराइट मृदा, इस मृदा का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। यह मृदा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में मिलती है। मरुस्थलीय मृदा, यह मृदा हल्के भूरे रंग की होती है, जो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ आदि में पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं मृदा अथवा मिट्टी के अपरदन एवं संरक्षण। तो नदियों का पानी अपने साथ काफी मात्रा में मिट्टी बहाकर ले जाती है। प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मृदा के परतों का विस्थापन, बहकर अथवा उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। पेड़ पौधे, झाड़ियाँ एवं घासों की जो जड़ें हैं, वह मृदा को पकड़कर रखती हैं, जिससे मृदा का अपरदन नहीं होता है।
लेकिन पेड़ पौधे आदि को जड़ सहित काटने से वहाँ की मृदा ढीली पड़ जाती है, जिससे आसानी से अपरदन हो जाता है। मृदा अपरदन की दर को प्रभावित करने में जलवायु, वनस्पति विस्तार, स्थल रूप, भूमि की ढाल एवं मानवीय क्रियाएं प्रमुख हैं। तेज पवन या पानी के बहाव से मैदानी या चौरस क्षेत्रों में सतही अपरदन होता है, जबकि ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में क्षुद्र नालिका व अवनालिका अपरदन होता है। मृदा संरक्षण के लिए हमें निम्न उपाय करने पड़ेंगे। पहला, पर्वतीय क्षेत्रों में समुच्च रेखीय खेती करना। दूसरा, पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करना। तीसरा, बंजर भूमि पर घास लगाना। चौथा, फसल चक्र तकनीक को अपनाना। पांचवा, खेती के वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना। छठा, जैविक खाद का प्रयोग करना। अब देख लेते हैं जल संसाधन। वैज्ञानिक दृष्टि से हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यह जल तरल, गैस एवं ठोस तीनों ही अवस्थाओं में हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है। पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर अभी तक जल नहीं मिला है। इस जल का पृथ्वी पर सबसे बड़ा भंडार महासागरों में है, जिसमें प्रशांत महासागर में 49.9%, अटलांटिक महासागर में 25.7% एवं हिंद महासागर में 20.5% तथा आर्कटिक महासागर में 3.9% जल शामिल है। इन महासागरों का पानी नमकीन या खारा होता है, जो सामान्य उपयोग के लायक नहीं है। स्थलीय भाग पर पाए जाने वाले मीठे जल का ही हम सभी अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ये जल नदी, झील, तालाब एवं भूमिगत हिस्सों में होते हैं। जल का वितरण। हम पानी का उपयोग पीने के लिए, कपड़ा धोने, शौच निपटाने, भोजन बनाने एवं बागवानी तथा खेती के कार्यों में करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा निर्माण कार्यों में भी पानी का उपयोग होता है। देख लेते हैं जल चक्र को। जल चक्र, यह एक ऐसा चक्र है जिसमें महासागरों का जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है। वहां बादल का निर्माण कर यह वर्षा जल के रूप में धरती पर आ जाता है। यह जल बहकर पुनः महासागरों में चला जाता है और फिर से वाष्पन और बादल निर्माण तथा वर्षा की क्रिया होती रहती है। इसे ही हम जल चक्र कहते हैं। अब देख लेते हैं जल का वितरण। तो पृथ्वी पर उपलब्ध जल के कुल आयतन का 97% हिस्सा महासागरों में पाया जाता है, 2% बर्फ के चादरों के रूप में पाया जाता है और मात्र 1% जल नदियों, झीलों, तालाबों एवं भूमि के नीचे है, जो हमारे पीने का काम आता है। भारत में विश्व के लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है, जिसके लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। अब देखते हैं जल प्रदूषण। जल के स्वाभाविक या प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना, जो जीवन के लिए हानिकारक होता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के निम्न स्रोत हैं। पहला, घरेलू कूड़ा करकट। दूसरा, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। तीसरा, नगरीय क्षेत्र का दूषित जल। और चौथा, परिवहन एवं यातायात दुर्घटनाएं। प्रदूषित जल को पीने से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे उल्टी आना, किडनी का खराब होना, पेट दर्द, डायरिया, छाती दर्द, हड्डी का विकृत, वजन घटना, दिमागी विकृति इत्यादि। जल बर्बादी को रोकने हेतु हमें जो प्रयत्न करना चाहिए वह है, पहला, वर्षा जल संग्रहण की तकनीक अपनाना। दूसरा, छत का वर्षा जल संग्रहित करना। तीसरा, जल का समुचित उपयोग करना। चौथा, जल को प्रदूषित होने से बचाना।
पांचवा, सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।